राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दलों की दौड़ तेज हो गई है, जिसमें प्रमुख दल दो ही दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई और खिलाड़ी हैं जो इस चुनावी खेल के प्रमुख किरदार बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के दो सहयोगी दलों के नेता हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं धनगरी न्यूज। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कई बार ये कह दिया है कि उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस भी उन सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता जमीन पर काम कर रहे हैं, यहां तक ब्लॉक स्तर पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। भाजपा ने अपने संगठन में बदलाव की तैयारी कर ली है, जिसका असर भी जल्द दिखाई देगा। कुछ सीटों पर नाम भी तय हो चुके हैं, जबकि कुछ सीटों पर अभी मंथन और सर्वे हो रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जो इस उपचुनाव में अपना खेल कर सकते हैं। कोई अपने भाई को तो कोई अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहा है। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज अभी इंतजार करने की नीति को फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ पर किसे टिकट मिलेगा या ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि 2 सीटों पर पार्टी ने संकेत दिए हैं कि परिजन को टिकट मिल सकते हैं, मगर आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए धनगरी न्यूज। शुक्रिया।